मेरे प्यारे भाइयों, किसान साथियों, नमस्कार। आज का वीडियो 60 दिन बाद आपको आनंद देगा। ये यदि आपने इस वीडियो को देख करके और इसको अपना स्वीकार कर लिया और इस विधि से आपने ये खेती कर ली, तो इसका आनंद 60 दिन बाद जब बारिश हो रही होगी तो इस सब्जी को खाने का आनंद आएगा। किसान भाइयों, आज का जो वीडियो है वह है ग्वार फली की खेती, जिसे हम उर्दहिया सेम के नाम से जानते हैं हमारे यहाँ। आपके यहाँ क्या जानते हैं, क्या बोलते हैं, आप कमेंट में हमको बताइएगा। हमारे यहाँ इसको उर्दहिया सेम के नाम से जानते हैं। आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है कि हम उर्दहिया सेम ग्वार फली कैसे इसको उगाएं और इसका आनंद बारिश के मौसम में इस सब्जी का आनंद कैसे उठाएं। साथियों, ग्वार फली का बीज जो है दो प्रकार से होता है, एक देसी ब्रांड का और एक फार्म ब्रांड का। दोनों में अंतर ये है कि देसी ब्रांड के जो बीज होते हैं उनके दाने छोटे होते हैं, उनकी फलियां छोटी छोटी होती हैं, पतली पतली होती हैं, और जो फार्मी बीज होता है उसका बीज जो है थोड़ा चौड़ा होता है, बड़ा होता है, और उसकी फलियां जो है वो बड़ी साइज में होती हैं। ये दोनों अंतर है शक्ल में, और सेम साइज़ की होती हैं, सेम समय में पैदा हो जाती है। यह फसल, यह सब्जी दोनों मौसम में उगाई जा सकती है, इधर गर्मी के मौसम में और आगे बरसात के मौसम में। जिन भाइयों को गर्मी के मौसम में ग्वारफली खानी थी, वह फरवरी माह से, जनवरी माह से ही बुआई शुरू करते हैं, वो आजकल इसकी फली की सब्जी बन रही है। लेकिन जिनको अब जुलाई से शुरू करना है खाने के लिए, उसकी बुआई आज शुरू हो रही है। तो आप चाहें तो फार्म की बीज को बोएं या देसी बीज को बोएं, जो आपको पसंद हो। दोनों के बीज जब फल उत्पादन करेंगे तो एक अंतर होगा कि देसी बीजों के फल बारिश के मौसम में ज़्यादा निकलते हैं और फार्म के बीजों के फल जो हैं ये गर्मी के मौसम में ज़्यादा निकलते हैं। लेकिन एक अंतर और होता है, देसी बीज की जो फली है ये बारिश में टेस्टी ज़्यादा अच्छी लगेगी, और थोड़ा फार्म वाली जो सीड्स हैं ये गर्मी में ही अच्छी लगती है, बारिश में थोड़ी कम अच्छी लगती है। ये दोनों बेसिक अंतर है। आप अपने घर के लिए खाना हो तो थोड़ा सा बोइए, और अगर इसी चीज़ को बड़े फार्म पे करके सेल करना है, पैसा कमाना है, तो इसी विधि को बड़े फार्म पे अपनाइएगा और बड़ी भी बिजनेस करिएगा आप। भाइयों, यदि आप ये बीज खरीदना चाहते हैं तो मेरे सेल पर जाएं, मेरे शॉप पर जाएं, लक्ष्मी फार्मिंग नाम की एक ऑनलाइन शॉप है, उस शॉप पर जाएं, और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप जो ऑर्डर करेंगे डिलीवरी, होम डिलीवरी आपको मिलेगी, ये विसी व्यवस्था भी उपलब्ध है। साथियों, एक बीज ले लीजिए और ऐसी मोटी सी एक जुड़ी आलू की तरह बना लीजिए, और एक एक बीज को ऐसे उंगलियों से आप, और एक 10-10 से 12-12 इंच की दूरी पर इसको ऐसे बो दीजिए। ध्यान रहे कि डुड़ही जो बनी हुई है इससे 3 इंच नीचे और इस गड्ढे से 3 इंच ऊपर। इस डुड़ही पर हम बुआई इसलिए कर रहे हैं कि बारिश के मौसम में जब जल भराव होगा तो इसका पानी नालियों के ही माध्यम से हम बाहर निकाल देंगे, पेड़ हमारा पीलापन नहीं आएगा, पेड़ हमारा बारिश की वजह से ख़राब नहीं होगा। ये ऊँचाई पर इसलिए बो रहे हैं, अभी गर्मी है 2 महीने तो हमको बहुत अधिक सिंचाई नहीं करनी होगी, सिर्फ नाली में पानी भरेंगे और ये पानी ऊपर तक सींच जाएगा और मेरा फसल बढ़िया तैयार होगा। साथियों, ये मैंने डुड़ही सब में जितनी बनाई थी ये आलू की तरह डुड़ही बनाया था, और सब में अब मैं बुआई कर दिया हूँ। साथियों, इस नाली के अंदर पानी की सिंचाई हम आवश्यकता अनुसार करते रहेंगे जब तक ये
जमाव बढ़िया नहीं हो जाता। ध्यान रहे कि इसका पानी थोड़ा ही भरना है, आधी डूढ़ी तक भरना है, आधी नाली तक भरना है, इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो डूबने ना पाए। भाइयों ये मेरी बुआई हो गई और ये नाली में बुआई करने के बाद अब हम नाली में ये पानी लगा दे रहे हैं, ये पाइप रख दिया, अब ये नाली में पानी अपने आप ये फैल जाएगा। जब ये पूरा पानी वहाँ तक फैल जाएगा तो इस पाइप को हम उठा के दूसरी नाली में रख देंगे और ये क्रिया हम बार बार करते रहेंगे। साथियों ये नाली पूरी मेरी वहाँ तक कंप्लीट पानी से भर गई है, अब हमको इस पाइप को उठा के इस नाली में कर देना है। बस इसी तरीके से हमको सिंचाई करनी है। इसकी सिंचाई सिर्फ देख लीजिए, आधी डूढ़ी मैंने किया है, नाली आधी हाफ फुल नहीं किया, ये पानी पूरा सीज करके इसकी ऊंचाई तक ये चला जाएगा। साथियों ये एक डूढ़ी बीज हम पहले बो दिए थे, इसको आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 35 से 40 दिन हो गया हमको बोए हुए, ये बीज का जमाव हो गया था, कुछ जानवरों ने नुकसान कर दिया था, लेकिन अब मैं व्यवस्था कर दिया हूँ। आज आपको ये पेड़ मैं डायरेक्ट इसको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए इसमें फ्रूटिंग भी शुरू हो गई है, फल भी बढ़िया आ गए हैं, ये शुरू हो गए हैं फल आने। ये देखिए 40 दिन में शुरू हो जाता है इसका फल, और आप इसकी फलियों को आराम से खाइए सूखी सब्जी बना करके, बहुत टेस्टी है, स्वाद भी है और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद सब्जी है ये। भाइयों आप लोग ऐसे इसकी बुआई करिए, जहाँ आपको कोई दिक्कत समझ में आए आप कमेंट करिए, खूब क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको कोशिश करूँगा हर बराबर जवाब दूँगा। आप अपने घर इसका आनंद उठाइए, मेरा वीडियो शेयर करिए, मेरा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बहुत बहुत धन्यवाद।